वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्ट्रेंथनिंग इंडिया फ्रांस टाइज रोड मैप फॉर 2047, यानी कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उनका जो विजिट हुआ फ्रांस का, इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये विजिट किस लिए इंपॉर्टेंट रहा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं यानी कि इंडिया और फ्रांस के बायलेटरल रिलेशंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम इसे दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये है कि हम इंडिया और जो फ्रांस है इसके रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इंडिया का यूएस के साथ जो रिलेशन है या जो फ्रांस के साथ जो रिलेशन अभी बन रहा है, तो इसका जो रीजनल स्टेबिलिटी है या स्पेसिफिकली पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, इसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम विजिट की डेट देखें तो विजिट की डेट है जी जुलाई 13 और 14, यानी कि 13 और 14 जुलाई को 2 डे ये विजिट रहा है। और ये इनविटेशन था प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन की तरफ से कि उन्होंने बुलाया था मोदी साहब को कि भाई आप जो हैं वो आएं। और किस ओकेजन पे बुलाया था, वो चीफ गेस्ट थे या गेस्ट ऑफ ऑनर थे बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन के हवाले से, जो कि 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि बेस्टाइल डे क्या है, तो बेस्टाइल डे देखिए क्या है कि 14 जुलाई 1789 को, यानी कि जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर जो मूवमेंट चली, जिस मूवमेंट की वजह से वो आज़ाद हुआ, तो उस टाइम का ये एक आप कह सकते हैं ऐसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था जिस वजह से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को ये हुआ, और हुआ क्या कि स्टेट प्रिजन जो थी उसके ऊपर अटैक किया गया, जो कि पेरिस की थोड़ा सा बाहर थी, उसके ऊपर अटैक हुआ और वहां पे जो है कुछ प्रिजनर्स को वहां छुड़ा लिया गया। और एक्चुअली में वो प्रिजन किस लिए इंपॉर्टेंट था या वहां से छुड़ाना किस लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो सिंबल माना जाता है मोनार्कीज डिक्टोरियल रूल का, कि भाई वो जो डिक्टेटरशिप चल रही थी फ्रांस में, जिसके नतीजे के तौर पे वहाँ पे इनकलाब फ्रांस आया। ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, जो हम यूरोपियन हिस्ट्री इंशाल्लाह जब डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। तो इनकलाब फ्रांस जब आया तो आप ये कह सकते हैं कि इनकलाब फ्रांस में जाहिर बात है बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट की, सब कुछ किया, तो उन्हें उठा के जेलों में डाल दिया। और फिर उनमें से जो एक जेल थी जिसको फिर जिसके ऊपर हमला किया गया लोगों की तरफ से, ठीक है, मॉब की तरफ से, और वहाँ से कैदियों को आज़ाद करवाया गया, वहाँ पर आग वगैरह लगाई गई, तो उसे एक सिंबल माना जाता है फ्रांस की आज़ादी का। ये यहाँ पे आप सामने एक पिक्चर देखिए, पिक्चर डिपिक्ट की भी है कि किस तरह से यहाँ पे हमला किया गया, यहाँ पे आग लगाई गई और कैदियों को छुड़ाया गया। तो ये बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन उस हवाले से है कि उस प्रिजन को जो आग लगाएगी, तो उसी हवाले से 14 जुलाई को जो है वो क्या किया जाता है जी, ये डे फ्रांस के अंदर मनाया जाता है। और उसी डे के चीफ गेस्ट जो थे या गेस्ट ऑफ द ऑनर जो थे, सॉरी गेस्ट ऑफ द ऑनर वो मोदी साहब थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है आप ये कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल जो है वो दिया गया है, प्रोटोकॉल दे के बुलाया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली इतना बड़ा जो है बायलेटरल रिलेशंस की एक डील हो रही है तो उन्हें तो फायदा ही होगा, तो उन्होंने इन्हें बुलाया। अब आगे डिस्कस करते हैं जी द सस्टेनेबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है। अब देखिए यहां पे हमने दिया हुआ है स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस न्यू रोड मैप फॉर 2047, के 2047 तक का ही रोड मैप क्यों दिया गया या किस लिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है। एक्चुअली इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं फ्रांस के और इंडिया के रिलेशंस का, कि वो कैसे जो है वो स्टार्ट हुए, उनका आगाज़ आप कह सकते हैं कैसे हुआ, तो इनका आगाज़ जो है वो हुआ 1998 से। ठीक है, यानी कि इस टाइम पे इंडिया और फ्रांस ने अपनी 25वीं सालगिरह मनाई है अपने रिलेशनशिप की, कि भाई हमारे रिलेशनशिप को जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप तो अल्टीमेटली पहले के बने हुए आज़ादी के बाद के, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसके 1998 से जो है वो स्टार्ट हुआ ये। और क्यों हुआ कि जिस टाइम पर इंडिया ने जो है वो धमाके किए, जो पाकिस्तान ने भी किए थे अल्टीमेटली बाद में, तो इंडियन धमाके किए तो यूएस ने उसके ऊपर पाबंदियां बहुत सी लगाई, तो उस टाइम पे फ्रांस ने साथ दिया इंडिया का, उसके साथ पार्टनरशिप की या स्ट्रेटेजिक अलायंस किया। तो इस वजह से माना जाता है कि भाई मुश्किल वक्त में फ्रांस इंडिया के साथ खड़ा रहा, इसलिए जो है फ्रांस और इंडिया की दोस्ती के 25 साल हो चुके हैं। तो ये 25 साल सेलिब्रेट किए गए और ये स्टार्ट हुए 1998 से। तो अब अगले 25 साल का रोड मैप दिया जा रहा है 2047 तक का, कि भाई ये फिर क्या होगा, 50 साल जो है वो इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को कंप्लीट हो जाएंगे। तो पिछले 25 साल की एक्नॉलेजमेंट की गई इन रिलेशंस के अंदर, इन ताल्लुकात के अंदर, और साथ में अगले 25 साल के लिए कुछ चीजें जो है वो तय की गई। ठीक है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और इसके अंदर व्यूज़ जो है वो डिस्कस हुए मल्टीलेटरल फोरम्स के ऊपर, जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं, कि जहाँ जहाँ दोनों मौजूद हैं अल्टीमेटली, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मौजूद हैं दोनों ही फ्रांस और इंडिया, इसके ऊपर डिस्कशन हुई है और इसको जो है वो डिबेटेबल बनाया गया है, मजीद उसमें काम करने की बात की गई है। इसी तरह से फ्रांस ने जो है वो कमिटमेंट की है नेशनल आइडेंटिटी की और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की इंडिया के हवाले से। ठीक है, और फ्रांस इस बात को मानता है, फ्रांस का ये कहना है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को मानता है, ना वो यूएस की जो है वो आप कह लें
मोनोपोली को मानता है ना चाइना की, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और इंडिया भी यही कहता है क्योंकि वो खुद एक ग्रोइंग पावर के तौर पे सामने आ रहा है इंडिया, तो अल्टीमेटली वो यही कह रहा है कि भाई अब ये दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, तो इसलिए किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाने का मतलब कोई भी नहीं है। हम यूएस के साथ भी ताल्लुकात बनाएंगे, वो चाइना के साथ खराब है, रशिया के साथ भी बने हुए हैं उनके, और फ्रांस के साथ भी बनाएंगे, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो दोनों ने ही, इंडिया और फ्रांस ने इस बात के ऊपर जो है वो जोर दिया कि भाई अगर किसी मुल्क को ये लग रहा है कि ये उनके बायलेटरल रिलेशंस के खिलाफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर आप किसी से भी ताल्लुकात बना सकते हैं अपने फायदे के लिए, आप किसी एक के साथ होके नहीं चल सकते, ये कहा गया। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि 25 साल जो है वो एक तो पुराने जो है उनको सेलिब्रेट किया गया, और साथ में जो नेक्स्ट 25 ईयर्स हैं उनके लिए जो है कुछ पार्टनरशिप्स जो हैं वो फोकस की गई हैं और कुछ चीज़ों को जो है फोकस किया गया है, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी सोवरेनिटी जो है इसकी बात की गई है कि भाई इसी तरह से हम अगले 25 सालों में भी सिक्योरिटी के हवाले से और अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी के हवाले से रिलेशंस को इसी तरह लेके चलेंगे। यानी कि हम जो है वो इंडिया ने कहा कि ना वो यूएस के इन्फ्लुएंस में आएगा अगर उसके साथ भी रिलेशंस हैं। आप देखिए अभी हाल ही में मोदी साहब का जो है विजिट हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का विजिट रहा, उसके ऊपर भी बहुत सी बातें हुई हैं यूएस का, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि हम यूएस के इन्फ्लुएंस के अंदर भी नहीं आएंगे, हम इसी तरह से जो है वो न्यूट्रल ही रहेंगे फिलहाल, यानी कि इंडिया का ही कहना है वो न्यूट्रल है। और डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, जॉइंट प्रोजेक्ट्स को जो है वो बढ़ाया जाएगा, और खास करके इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। अब ये इंडो पैसिफिक की बहुत बड़ी पॉलिसी है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो इसके ऊपर जो है वो अगले 25 साल में मजीद काम किया जाएगा। इसके साथ साथ पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप फॉर प्लैनेट, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर प्लैनेट का मतलब ये है कि हम जो अब जैसे हालात से गुजर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज या बहुत से क्राइसिस हमें हैं, तो अल्टीमेटली हम कोलैबोरेट करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ठीक है, जो क्लाइमेट के लिए जो है वो इशू नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह जी सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे और ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करेंगे, यानी कि जो मैरीटाइम या समुद्रों के हिसाब से वहाँ पर जो होगा सारे का सारा बिजनेस एक्टिविटीज़, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, ब्लू इकोनॉमी वहां भी पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप फॉर द पीपल इसी तरह से, और पीपल्स के लिए भी पार्टनरशिप होगी, यानी कि कल्चरली जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा, एक दूसरे के ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाएगा, कल्चर के हवाले से प्रमोट किया जाएगा, प्रमोटिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अब जैसे आपने देखा स्टडी वीजा के ऊपर जो है बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं, इसी तरह से बिजनेस के हवाले से जाते हैं, टूरिज्म के हवाले से जाते हैं, तो इसको जो है एजुकेशनल कोलैबोरेशन के हवाले से और बिजनेस लिंकेजेस के हवाले से, यानी जहां पर भी जो है वो बिजनेस लिंकेजेस होंगे वहां पर होगा। तो आप कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइप्स में जो है ये रिलेशंस को आगे अगले 25 साल में बढ़ाने की बात की गई है। जैसे अगर हम कहें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उसकी बात की गई है, इसी तरह अगर हम कहें कि पीपल टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट की बात की गई है, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट की बात की गई है, या बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी की बात की गई है, तो मल्टीपल टाइप्स में जो है बातचीत की गई है रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाने में अगले 25 सालों में, उसके लिए कुछ एमओयूज भी जो है साइन किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये विजिट रहा, क्यों इतना ज्यादा प्रोटोकॉल मोदी साहब को मिला, क्यों उनके लिए जो है वो इतना प्रोटोकॉल रखा गया, उन्हें गेस्ट बनाया गया, ऑनर गेस्ट बनाया गया इतने बड़े दिन का, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो डील है वो है न्यू डिफेंस डील, जो कि ऑलमोस्ट $10 बिलियन की है, या 95 करोड़ की जो डील है ये माना जाता है, इसके लगभग ये डील है। तो $10 बिलियन की जब अल्टीमेटली डील होगी, आप किसी के साथ बिजनेस करने जाएंगे तो वो आपके लिए रेड कार्पेट, क्या आपके लिए अपनी आंखें और सर भी बिछाएगा कि भाई इतनी बड़ी आपको आप जो है उसके साथ डील कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे इकोनॉमी की सारी गेम है, डिफेंस की गेम है, चीजें बेचनी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो दिया गया है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं 2018 से 2022 के रिलेशंस की, इंडिया और फ्रांस की, तो 2018 से 2022 में इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन रहे हैं, अगर स्ट्रेटेजिक या आर्म के हवाले से बात करें, तो दूसरा लार्जेस्ट जो है वो इंडिया जो है आर्म इंपोर्टर है फ्रांस से। पहला किसके साथ है? पहला अल्टीमेटली रशिया के साथ है, कि सबसे ज्यादा जो यानी इंडिया जो आर्म एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, मुल्क के अंदर मंगवाता है, तो अल्टीमेटली वो किससे मंगवाता है? रशिया से। और दूसरे नंबर पे 18 से 22 के बीच में, 2018 से 2022 के बीच में वो फ्रांस के साथ रही, तो उसका मतलब बहुत ही गहरे रिलेशंस हैं और काफी ज्यादा जो है इनकी डील चलती रहती है आपस में। अब अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस क्या है जी, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस का इंडिया को 2018 से 22 के बीच में, और इसी में बताया जा रहा है कि भाई 36 राफेल जो फाइटर जेट्स हैं वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, यानी 36 लड़ाका तैयार है, जो आपको सामने यहां पे राफेल की पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसको F-17 Thunderbolt का मद्देमुकाबिल इंडिया माना जाता है, तो एक्चुअली में 36 राफेल जो है वो उन्हें दिए जा चुके हैं, और मजीद 26 की जो डील है वो इस टाइम पे डन की गई है, यानी 36 उनके पास मौजूद हैं और 26 की मजीद जो है इस विजिट के दौरान डील हुई है। इसके साथ साथ 3 जो है अभी जो मजीद डील हुई है उसमें 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की भी डील हुई है, और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पहले भी उनके पास मौजूद थी फ्रांस की, और अब भी 3 मजीद की डील हुई है। यहां पे आप पानी के अंदर देखिए, आपको ये दिखाई दे रही है, ये स्कॉर्पियन क्लास जो है सबमरीन है।
और काफी ज्यादा ये एडवांस फीचर्स की हामिल है, और कहा जा रहा है कि यानी वर्ल्ड बेस्ट में से जो है ये एक सबमरीन है जो तीन की जो है मजीद डील हुई है। तो 26 रफेल्स आप कह लें और तीन जो है स्कॉर्पियन सबमरीन, यानी एयरफोर्स के लिए भी डील की गई और साथ में जो है वो नेवी के लिए भी जो है वो डील की गई है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप देखें आर्मी के हवाले से अगर हम डील की बात करें या बाकी वेपन्स के हवाले से बात करें तो वो यूएस से जो है वो डील हुई है जो लास्ट विजिट हुआ है मोदी साहब का। तो इसका मतलब यह है कि तीनों फोर्सेज के हवाले से मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ मालिक के साथ डील्स हो रही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डील्स हो रही हैं जो कि रीजनल स्टेबिलिटी को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही हैं या मुतासर करेंगी। अब आप देखिए अगर हम यहां पे बात करते हैं तो फ्रांस अब क्या इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया रिलेशनशिप बना रहा है स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, और पाकिस्तान जो है वो आप देख लें अब हम क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर और उन चीजों को करना चाहिए लेकिन जो काम जिसका है उसी को करना चाहिए। अच्छा ऑनगोइंग नेगोशिएशंस की अगर हम बात करते हैं तो राफेल जेट्स जो है वो एडिशनल सबमरीन साथ में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स जो हैं वो दिए जाएंगे और साथ में हेलीकॉप्टर्स दिए जाएंगे इस डील के अंदर, ये भी जो है वो डन हुआ। इसके साथ साथ जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत हुई कि भाई ये प्रोडक्शन जो है वो जॉइंटली इंडिया के अंदर ही की जाए क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अल्टीमेटली उनका क्या हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, तो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो इसका मतलब वहीं पर इंडिया के अंदर ही जो है तैयार हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर GF-17 Thunder तैयार जो है आपने देखा वो पाकिस्तान और इंडिया की मदद से पाकिस्तान के अंदर ही तैयार होते हैं, तो इसी तरह से ये भी यहां पे जो है इसके ऊपर बातचीत की गई है। तो इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो डील का हिस्सा रहा वो यही डिफेंस डील रही है और जिसमें जो है वो $10 बिलियन की डील जो है साइन की है इंडिया और फ्रांस ने और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इन्हांसिंग कॉपरेशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की कि भाई आलमी सतह के ऊपर भी जो है वो फ्रांस और इंडिया अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से आगे लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है रशिया यूक्रेन वॉर का, ठीक है। अब रशिया और यूक्रेन की अगर हम बात करें यानी कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है इसमें यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा है फ्रांस और इंडिया के बीच में वो क्या है। अब देखिए फ्रांस जो है वो ओपनली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, ठीक है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है रशिया के अगेंस्ट में, लेकिन इंडिया जो है अगर वहीं पे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया फिलहाल ये कह रहा है कि भाई मैं न्यूट्रल हूं, यानी वो ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ना ही रशिया को सपोर्ट कर रहा है। वो स्टैंस जो स्टार्ट में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने लिया था कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे वो कि फिलहाल हम यूक्रेन का हिस्सा है रशिया के खिलाफ हो चुके हैं, तो अल्टीमेटली इंडिया ये कह रहा है कि मैं न्यूट्रल हूं। क्यों कह रहा है? क्योंकि इंडिया की जो ऑयल डील है सबसे ज्यादा वो रशिया के साथ है, तो इसका मतलब यह है कि फ्रांस के आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस के न्यूट्रल तो फिर ना हुआ इंडिया, खैर तो फ्रांस के रिलेशंस यूक्रेन के साथ यानी मगरिब के साथ आप कह सकते हैं और इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ हैं मगरिब के अपोनेंट के साथ हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि भाई मैं न्यूट्रल हूं ये चीज को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है तो इसलिए उसके रशिया के साथ ताल्लुकात होते हुए भी उसके साथ जो है इतनी बड़ी डील जो है वो $10 बिलियन की साइन कर ली गई है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे अगर देखा जाए तो। और यहां पे इंडिया को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो किस तरह से इन चीजों को मैनेज कर रहा है कि एक साइड से वो रशिया से भी इतनी ओपनली ट्रेड कर रहा है और दूसरी साइड से जो है वो मगरिब को भी बता रहा है भाई आपके साथ हैं आपके ब्लॉक के साथ हैं, ठीक है, और चाइना के अगेंस्ट भी खड़ा है, तो काफी जो है वो इंपॉर्टेंट इस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखें तो इंडिया उसको लेके चल रहा है मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रशिया यूक्रेन का इशू था तो उसके हवाले से जो है बातचीत की गई है कि भाई जो बायलेटरल टाइज हैं उनका असर नहीं पड़ेगा, चाहे इंडिया जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता रहे ऑयल उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने चीजें बेचनी है अल्टीमेटली। और डिफरेंट प्रोस्पेक्शन जैसे मैंने कहा कि परसेप्शन हैं यूक्रेन की वॉर के ऊपर टेंशन हैं तो इंडिया को कहा भी जा रहा है, लेकिन इंडिया खैर वो कह रहा है मैं न्यूट्रल हूं जो कि वो नहीं है आप ये कह सकते हैं। तो यूरोपियन लीडर्स जो है उसके ऊपर उनको ये कंसर्न भी है कि चाइना के हवाले से वो इंडिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और खास करके फ्रांस, आपको पता है जैसे अब नेटो समिट हुआ तो हमने बात की कि फ्रांस जो है उसने इनकार कर दिया कि हम कोई भी जो है वो ऑब्जर्वेटरी ऑफिस जो है वो जापान के अंदर नहीं बनाएंगे जो कि इंडिया के ऊपर सॉरी चाइना के ऊपर नजर रखे, तो यानी कि फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने चाइना को सपोर्ट किया, इसका मतलब चाइना और फ्रांस के टाइज भी कहीं ना कहीं है। इसी तरह से अब यहां पर फ्रांस मगरिब का ब्लॉक का भी हिस्सा है, जाहिर बात है नेटो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, तो ऐसे में जो है आप ये कह सकते हैं कि ये अब हकीकत में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है कि फ्रांस जो है वो ना तो नेटो को छोड़ सकता है ना ही वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर रहा है जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसी तरह से वो इंडिया के साथ भी रिलेशन बना रहा है जबकि इंडिया की चाइना के साथ नहीं लगती, तो ये मल्टीपल फ्रंट्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ही है। इसी तरह से लार्ज फ्रेंच कंपनीज अगर हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगा चुके हैं और पिछले 25 साल में कहा जा रहा है कि 10 ट्रिलियन जो है 10 ट्रिलियन से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं कंपनीज की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि फ्रांस किसका एलाय है या इंडिया किसका है, असल में दोनों को फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है।
और एट दी एंड अगर स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज की बात करें, इसमें क्या चीज की गई है जी? सबसे इंपॉर्टेंट माइग्रेशन के ऊपर बात की गई है, मोबिलिटी एग्रीमेंट्स के ऊपर बात की गई है कि फैसिलिटेट किया जाएगा स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि अब जाहिर बात है इंडिया आपको पता है 60% यूथ बल जैसे पाकिस्तान का है और इंडियन डायस्पोरा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। इसी वजह से मोदी साहब जब फ्रांस गए हैं तो उनको काफी अच्छा जो है वो वेलकम मिला है वहां पे इंडियन डायस्पोरा की तरफ से, जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने काफी अच्छा वार्म वेलकम किया, जो उन्होंने आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर शेयर भी किया। तो फैसिलिटेट किया उन्होंने, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने की बातचीत की, ठीक है, और प्रोफेशनल मोबिलिटी की बातचीत की कि भाई प्रोफेशनल्स को एक तो फ्रांस जो है वो उनके लिए आसानियां पैदा करेगा और साथ में स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करेगा। आप यहाँ पे आप अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान का इंडिया के साथ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे लिए वहां जाना कितना मुश्किल है और उनके लिए कितनी आसानियां की जा रही हैं। और इसके लिए टारगेट जो सेट किया गया है वो ये किया गया है 2030 तक का कि 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे पहुंचने में मदद दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि उनके लिए स्कॉलरशिप्स होंगी, उनके लिए आसानी पैदा की जाएंगी और 50,000 जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स फ्रांस जाएंगे। ये बहुत बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट है और बहुत बड़ी बात है, वो भी अगले 7 से 8 साल के अंदर। तो ये रिलेशंस हकीकत में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और अब देखते हैं आगे कैसे जो है वो होता है। इसी तरह से अगर फ्रेंच की अगर हम बात करें तो प्रमोट करने की बात की जा रही है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो इंडिया के अंदर उसकी लर्निंग को जो है प्रमोट किया जाएगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी गवर्नमेंट की सतह के ऊपर आप ये कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप जब किसी को जो है वो शामिल करें, जैसे हम ये कहते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज हमने शामिल भी की हुई है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पार्टनर है। इसी तरह से इंडिया भी ये कहना चाह रहा है कि फ्रांस जो है वो उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पार्टनर है और फ्यूचर में उनके रिलेशंस मजीद जो है वो बिल्ड होंगे, खास करके कल्चरली जब वो लैंग्वेज भी सीखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें रही हैं। और एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है और इंडिया है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनके थ्रू ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक के अंदर बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी जो है वो ओकस या क्वाड्स जो है, क्वाड्स का तो इंडिया हिस्सा है, ठीक है, तो उसके थ्रू यहां पे काउंटर करने की कोशिश की जा रही है चाइना को। तो अब ऑस्ट्रेलिया और यूएई और इंडिया जो है ये भी बायलेटरल रिलेशंस रख रहे हैं। अब आपने देखा कि इंडिया ने जो है वो यूएई के साथ जो ऑयल की ट्रेड की है वो पैसों के अंदर, रुपए के अंदर की है, डॉलर के अंदर नहीं की। तो चीजें तेजी से जो है वो चेंज हो रही हैं। तो फ्रांस जो है वो अब देखे कि क्या करता है, ये भी कहा जा रहा है कि 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो है वो बनाएगा जयपुर के अंदर, ये यहां पे जो है क्योंकि उनका जो है वो एक्सपर्टी किसके अंदर है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर है। तो फ्रांस यहाँ पे 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बनाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी जो अप्रॉक्सीमेटली जो ट्रेड है अगर हम वो देखें तो वो 10 से 12 बिलियन एनुअली है, 10 से 12 बिलियन डॉलर, रुपये नहीं, 10 से 12 बिलियन डॉलर एनुअली है और इसको फर्दर जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। तो आप इनकी ट्रेड का वॉल्यूम चेक करें, 10 से 12 अरब डॉलर जो है वो आप देख लें सालाना इनकी ट्रेड हो रही है फ्रांस के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे स्टूडेंट की मोबिलिटी होगी और चीजें बहुत तेजी से चेंज होंगी और फ्रांस के जितने भी अलायंसेस हैं, ठीक है, वो तेजी से आगे चेंज होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे ग्रो कर रहा है और जितने भी इस वक्त पावरफुल कंट्रीज हैं, इंडिया खुद भी बहुत पावरफुल बन रहा है और जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं उसने उनके साथ रिलेशंस रखे हुए हैं, सिवाय इसके कि चाइना के साथ उसके रिलेशंस जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो बाकी सबके साथ वो मैनेज करके लेके चल रहा है और मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वो किसी एक की तरफ नहीं झुका हुआ कि वहां उसी को देखता रहे, जैसे पाकिस्तान जो है वो हमेशा यूएस की तरफ ही रहा है और कुछ टाइम के लिए चाइना की तरफ भी हुआ, लेकिन ना चाइना की तरफ अकेले अच्छा होना ना यूएस की तरफ, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है पाकिस्तान यूएस को अडॉप्ट कर ले या चाइना को अडॉप्ट कर ले? तो मल्टीपोलर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, जो कि इंडिया इस टाइम पे अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसको क्लोज करते हैं, उसके जो पाकिस्तान पे स्पेसिफिकली इंपैक्ट है उनको हम जो है वो सेपरेट डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।